D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हैं। फिरोजपुर और तरनतारन जिलों के आबकारी विभाग की टीम की ओर से सोमवार को हरिके में ब्यास और सतलुज के संगम स्थल पर छापामारी कर वहां से 225,000 लीटर लाहन, चालू भट्टी, 26 तिरपाल और लोहे के 10 ड्रम बरामद किए गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक हरिके पुलिस स्टेशन में इस बारे में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेशों के बाद पूरा तंत्र शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जुट गया है। अहम सवाल यह है कि यदि सरकार अब इस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और लाखों लीटर अवैध शराब बरामद कर सकती है तो पहले यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पंजाब में हुई जहरीली शराब के कारण मौतों को लेकर आज चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल की ओर से फिर दूसरे दिन राजभवन जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन नेताओं का कहना था कि पंजाब में नशे के व्यापारी बढ़ गए हैं जिस कारण जहरीली शराब का धंधा जोरों पर है और सरकार सो रही है। इन नशे के व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दुलो और प्रताप सिंह बाजवा को लेकर सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी उन्हें घेरा है और कहा है कि इन दोनों नेताओं को कांग्रेस ने ही मान सम्मान दिया। यहां तक कि प्रताप सिंह बाजवा को प्रधान भी बनाया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अब वह सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। सिद्धू ने दोनों नेताओं को चुप रहने की नसीहत दी है। अमृतसर में आज कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2406 हो चुकी है और एक मरीज की आज कोरोना के कारण मौत हुई है। अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या अमृतसर में 97 जा पहुंची है। अमर रंजीता विनु स्थित सैटेलाइट अस्पताल की डॉक्टर व दो अन्य स्टाफ का पॉजिटिव आने के बाद वहां पर काम करने वाला सारा स्टाफ सख्ते में है। डेंटल विभाग की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शरणजीत कौर सिद्धू ने भी मांग की है कि इस सेंटर को सैनिटाइज करके कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहां पर कई वीवीआईपी लोग भी अपना सैंपल देने के लिए आते हैं। वहां पर जो टीम इन लोगों के सैंपल लेती है वह वहां पर काम करने वाला स्टाफ और जो मरीज वहां पर इलाज करवाने के लिए आते हैं उनके लिए भी कोई खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि जब तक सभी के सैंपल नहीं लिए जाएंगे तब तक ये कहना मुश्किल है कि कौन कौन कोरोना से ग्रस्त है और कौन कौन नहीं। पंजाब में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के एससी सेल की ओर से कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग भी की है। गुरु नानक देव अस्पताल में आज फिर किडनी कमेटी की बैठक हुई लेकिन कई लोगों को किडनी प्रत्यारोपण की परमिशन नहीं दी गई। तलवाड़ा से आए विकास का आरोप है कि चंचला देवी ने अपने 32 वर्षीय बेटे सनी को अपनी किडनी देने की पेशकश की है लेकिन किडनी कमेटी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कोविड-19 में किडनी कमेटी के मरीज को बार बार तलवाड़ा से यहां लाना खतरे से खाली नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मरीज कोरोना से पीड़ित हो जाए और उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। पहले इसे 4 अगस्त को यहां पर बुलाया गया था तब भी वापस भेज दिया गया, अब फिर 14 अगस्त को यहां आने के लिए कहा गया है। उन्होंने इसकी शिकायत कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी से कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, महामंत्री दीपांशु घई ने अपनी टीम के साथ श्री दुर्गाना तीर्थ और श्री दरबार साहब में माथा टेका। जिला युवा प्रधान गौतम रोडाना की ओर से उनका स्वागत किया गया। वहीं भानु प्रताप सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी से भी मुलाकात की और दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता युवा मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा। जोशी की ओर से भानु प्रताप की पूरी टीम को सम्मानित किया गया। जिला सेहत अधिकारी डॉक्टर अमनदीप सिंह की ओर से पहली बार शराब के 3 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 1 पनीर और दही का सैंपल भी लिया गया है। बता दें कि सरकार की ओर से सेहत विभाग को अधिकृत किया गया है कि वह शराब के सैंपल भरे ताकि पता लगाया जा सके कि लोगों को जो शराब परोसी जा रही है उसकी गुणवत्ता कहां तक ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपके समक्ष फिर नए समाचार लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।